जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है। वो इस वजह से क्योंकि इसमें बेसिक नॉलेज है और बेसिक नॉलेज होगा तभी तो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेकर के एग्जाम क्लियर करेंगे। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी हम एनसीईआरटी की क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें से हिस्ट्री सब्जेक्ट पहले पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में अभी हम 8th क्लास के हिस्ट्री में थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब इसमें कितनी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो हम क्लास के दौरान बताते जाएंगे। इसके अलावा फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, चीजों को आप समझेंगे, पहली बार देखेंगे तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके आगे बढ़ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। और इस चैप्टर में सबसे पहले है एक इमेज। इमेज किस चीज से रिलेटेड है? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, तो यहां पर ये मुगल बादशाह हैं और ये हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो यहां पर मुगल बादशाह बिहार और उड़ीसा का दीवानी है अंग्रेजों को दे रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव को दे रहे हैं, ये इस इमेज में शो किया गया। टॉपिक है कंपनी दीवान बन गई। यहाँ पर 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। ये जो डेट है ये आपको याद रखना है अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। पीसीएस में अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं, सिविल सर्विस में भी स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है, इसलिए इन दोनों ही एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप इसे याद रखें। 12 अगस्त 1765 ये वो समय है जब बक्सर के युद्ध हो चुका था और बक्सर के युद्ध के बाद जब संधियां चल रही थी तो उस टाइम का समय है और वहां पर ये जो दीवानी प्राप्त हुई है रॉबर्ट क्लाइव को, ये वही की बात करी जा रही है। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यहां पर ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से माहौल था तो रॉबर्ट क्लाइव के अपना कोई तंबू रहा होगा युद्ध मैदान में या जहां पर भी, और वहां पर ये संधि टाइप की चीजें हुई होंगी, लेकिन इमेज में कुछ इस तरीके से दिखाया गया है मानो कितनी भव्यता के साथ इस चीज को तैयार किया गया था और मुगल बादशाह कितना खुश रहे होंगे ये सब करते हुए। लेकिन वास्तविकता में ऐसा रहा नहीं होगा। जब आप सच में पूरी हिस्ट्री देखेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवान हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने, आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरतों की चीजें खरीदती और बेचती रहे। तो यहां पर सबसे पहले इन लोगों को जो दीवान मिल गया था ये इनकी सबसे बड़ी जीत थी। देखिए, सबसे पहले होता है प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के बाद होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद इन लोगों के पास ये दीवान मिलना शुरू हो जाता है और बाकी चीजें क्या होती है, जैसे कि इकोनॉमिक तौर पर ये अपने आप को मजबूत करने की व्यवस्था देख रहे होते हैं कि ऐसा क्या करें ताकि पैसों का इंतजाम हो जाए, हमारा अपना इंतजाम हो जाए, हम सामान खरीद बेच सके, सेना को मजबूत कर सके, हम आगे बढ़ सके और व्यापार भी अच्छा करते रहे। तो इसी बात को यहां पर ध्यान देने की कही गई है। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। अब अंग्रेज बाहर से आए हुए थे तो ये इस चीज को समझ गए थे कि अगर हम एकदम से यहां पर अपनी ताकत का यूज करेंगे तो चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे पूरे एक प्रांत हो, यहाँ पर हर लेवल पर एक मजबूत या कहीं या कहो तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो काफी ताकतवर होंगे, पैसे से भी और ताकत से भी, जो हमें हरा सकते हैं या हरा देंगे ही, क्योंकि वो इस एरिया को जानते हैं, यहाँ की भाषा, रीति रिवाज, हथियार, हर एक चीज को जानते हैं।
इसलिए बड़े सावधानी के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे थे। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो इस अध्याय में आगे देखेंगे हम। कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराई, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश थी, यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। सूती और रेशमी कपड़े जो कि इंग्लैंड भेजना रहता था। और ये चाह रही थी कि हम जो टैक्स लगा रहे हैं, लगान ले रहे हैं, तो ये कोई निश्चित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कम से कम 20% 30% रख दिए, 40% रख दिए, तो फिर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये लोग इस तरीके से कोई नियम ला ही नहीं रहे थे। इनका कहना था कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा वसूली कर लें और जितना ज्यादा से ज्यादा हमें पैसे मिल जाए उतना हमें फायदा होगा। तो एक तरीके से हमारे यहाँ के किसान मजदूरों को शोषण करने का एक ये तरीका भी या ये सोच भी थी उनके लिए। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। इंग्लैंड से सोना और चांदी आता था और उसी से ये लोग क्या करते थे, सामान खरीदते थे और अपने देश को भेजते थे और वहां पर सामान बेचते थे महंगे में और इनको मुनाफा होता था। 1765 के बाद क्या हुआ, अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। अब 1765 में जैसे दीवान मिल गई और इन लोगों की व्यवस्था इस तरीके से हो गई कि इनको अब पैसा बंगाल से ही मिल जा रहा था और उसी पैसे को यूज करके वहां से वो लोग सूती कपड़े, रेशम, ये सब खरीदते सस्ते में और भेज देते थे इंग्लैंड, और वहां पर भी ये लोग मुनाफा कमाते थे। तो मतलब एक ही टाइम पर दो तरीके से मुनाफा ही कमाते थे। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया और इस आकलन में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। तो जिस तरीके से अंग्रेजों ने किसानों का शोषण किया, कारीगरों का शोषण किया, तो वो इस तरीके से किए कि केवल 5 साल में ही, 1770 की बात कर ली, ऐसा अकाल पड़ा कि 1 करोड़ लोग मर गए। इतनी बड़ी संख्या में लोग मरे थे केवल अकाल की वजह से। और ये अकाल प्राकृतिक अकाल नहीं थी, ये अकाल थी अंग्रेजों का पैदा किया हुआ। इसके बाद यहां पर एक इमेज है और इमेज से रिलेटेड कुछ चीजें दिखाई गई हैं। इमेज में सबसे पहले देखना कि ये इमेज में क्या क्या चीजें हैं। और यहाँ कहा गया है बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है। तो जो इमेज है यहाँ पर, ये एक बाजार है जो हर एक सप्ताह में लगता है। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने और जरूरतों की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। तो यहाँ पर इस इमेज में बाजार की चीजें दिखाई गई हैं। इसके बाद है टॉपिक खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। अब जिस तरीके से अकाल पड़ा, तो जाहिर सी बात है उन लोगों के पास आमदनी नहीं थी। जब तक उसमें सुधार नहीं किया जाएगा तो इनको और पैसे नहीं मिल सकते थे। तो ये लोग दिमाग चला रहे थे कि क्यों ना जो खेती है, सिस्टम है, उसमें सुधार किया जाए, फसलों में बदलाव किया जाए और जमीन में ऐसा क्या डालें जिससे ज्यादा उपज हो।
तो इस तरीके से चीजें सोचने लगते हैं। आखिरकार कंपनी ने 1773 में 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। किनको? राजाओं और तालुकेदारों को। उन्हें किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन भी मिला का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। तो यहाँ पर ये डेट इम्पोर्टेंट है और ये स्थायी बंदोबस्त क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी। तो यहाँ पर ये भी नियम था कि जो जमींदार लगान नहीं चुकाएगा, नहीं टैक्स को कलेक्ट करेगा और ना ला के देगा हमें, तो उसकी जमींदारी को हम नीलाम कर देंगे। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब यहां पर कंपनी ये सोच रही थी कि अगर खेती में सुधार हो जाए, ज्यादा इन लोगों को मिलने लग जाएगा जमींदारों को, तो खेती में अपने हिसाब से सुधार करेंगे, ये लोग थोड़ा सा दिलचस्प लेंगे और क्या क्या करना चाहिए इस पर दिमाग चलाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। जब बाद में जमींदारों को ज्यादा पैसे मिलने लग गए और ये लोग उससे फायदा भी लेने लगे, उसके बाद भी इन लोगों को खेती होती में कोई इंटरेस्ट नहीं आया कि हम इसमें क्या सुधार करवाएं और क्या अच्छा करें, कि जैसा का तैसा सब कुछ पड़े रहने दिया। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। यहाँ किसान इस वजह से और ज्यादा परेशान था कि एक तो लगान चुकाना है, दूसरे जमीन भी उसकी नहीं है, कब उसकी जमीन उससे छीन ली जाए। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो ये भी नियम था, जब लगान नहीं चुका सकते थे तो ये लोग क्या करते थे, कर्ज लेते थे महाजन से। और कर्ज लेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसके बदले अब ने रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर गिरवी रखने के लिए कई बार लोग पुश्तैनी जमीन रखते थे और पुश्तैनी जमीन से इनको हाथ धोना पड़ता था, क्योंकि महाजन भी अपने तरीके से इस तरीके से किसानों को फंसाता था कि ये कभी कर्ज से बाहर ही ना निकले और इनके पास जमीन मिल जाए। यहाँ पर बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन। तो ये कोलब्रुक ने क्या कहा था हम ये देखते हैं। बंगाल के बहुत सारे गांव में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे, वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका और कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। अब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता था। ऐसे भयानक हालत में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं, ना ही उन्हें अपनी हालात सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। जो काश्तकार हुआ करते थे तो काश्तकार के पास एक तो शर्तें होती थी कि बटाई में तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है, इसके बदले उन्हें कोई वेतन नहीं, कुछ भी नहीं मिलता था। बल्कि जो खाने पीने के लिए साल भर का चाहिए होता था वो उसमें भी कमी रहती थी, वो सही से वो भी नहीं मिल पाता था। तो यहाँ पर अब कोई एक टाइम या एक दिन भूखा रह रह करके काम करेगा तो लगता है कि वो इंटरेस्ट से वो काम करेगा,
ऐसा तो हो भी नहीं सकता, और उसके पास ऐसी कोई उम्मीद नहीं रहेगी तो वो क्यों करेगा इंटरेस्ट के साथ काम। टॉपिक है यहाँ पे एक चीज, महाल। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी या एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। यह आपको अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। महाल गांव या कई गांव के समूह को कहा जाता था, यह आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर पूछे तो आप बता सको। इसके बाद टॉपिक है एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्च चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। तो जब इनको लगा कि हमने जब स्थायी रूप से लगान निश्चित किया था तब भी हमें कम फायदा हो पाया था, तो हम कुछ ऐसी व्यवस्था लाते हैं जो निश्चित ही नहीं करते हैं और इसमें कई सारे नियम कानून बदलते भी हैं, तो एक नई व्यवस्था लाएगी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या समूह को महाल कहते हैं से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। तो यहाँ पर राजस्व इकट्ठा करने का जो काम था वो गांव के मुखिया को सौंपा गया और इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो ये पूरी व्यवस्था जो आपने पढ़ा, महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ा, इसमें गांव का मुखिया कलेक्ट करता था पूरे टैक्स को और वो अंग्रेजों को सौंप के आता था। इसे किसने लाया? हॉल्ट मैकेंजी ने लाया, 1822 में लागू किया। ये आपके एग्जाम के लिए हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मुंडरो व्यवस्था। अभी तक हमने स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी व्यवस्था पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं मुंडरो व्यवस्था। ये मुंडरो व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था भी बोलते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवाड़ी बोलते हैं। कैप्टन एलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर देख लिया गया था। थॉमस मुंडरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यही व्यवस्था लागू कर दी गई। तो यहाँ पर कैप्टन एलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुंडरो, इन दोनों का नाम इसके लिए याद रखना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किए थे। रीड और मुंडरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुंडरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर जब रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी तो इसमें यह था कि जो किसान है वो खुद ही अपने हिसाब से लगान देगा, मतलब लगान तय किया गया था कि आपको लगभग इतना देना है और समय समय पर इसमें बढ़ावा किया जा सकता है, मतलब बढ़ाया जा सकता है। तो किसान खुद ही लगान देगा, बीच में किसी को नहीं आना है। यहाँ पर कंपनी और किसान का कनेक्शन डायरेक्ट हो गया। दूसरी चीज है, कहने की बातें हैं कि ये कह रहे थे कि अंग्रेज जो है वो पिता के भांति हैं और किसानों की रक्षा करनी चाहिए, किसान हमारे बच्चे हैं। फिलहाल इनको तो अपना फायदा दिख रहा था। तो इन्होंने तीन टाइप से नियम लाए, एक स्थायी बंदोबस्त जिसमें जमींदारों को गांव दिया गया, जमींदार क्या किए, किसानों को अपना खेत दिए। तीन टाइप का नियम लाया गया, एक स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त और तीसरा है रैयतवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ कि जो खेत थे वो जमींदारों को दिया गया और उन खेतों को किसानों को दिया गया। जमींदारों ने किसानों को दिया कि अब इसमें से तुम उगाही करो और फिर हमें दो। और
इसके बाद है महालवाड़ी। महालवाड़ी को हॉल्ट मैकेंजी ने लाया। अब महालवाड़ी में क्या था कि एक गांव या गांव के एक समूह को महाल कहा जा रहा है, और महालवाड़ी में जो गांव है, गांव के मुखिया पूरा राजस्व इकट्ठा करते और फिर कंपनी को देता। और तीसरा नियम था रैयतवाड़ी, जिसमें कंपनी और किसान दोनों का कनेक्शन डायरेक्ट था, बीच में कोई भी बिचौलिया के टाइप में नहीं था। टॉपिक है सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ सालों के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाले आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस हिसाब से राजस्व तय किया था कंपनी ने, वो इतनी ज्यादा मात्रा में थी कि किसान अपने अपने गांव घरों को छोड़ करके दूसरे जगह चले गए। और ऐसे में क्या हुआ कि जो गांव था वो पूरा पूरा गांव खाली हो गया। और कंपनी यहां उम्मीद करती थी कि हम ऐसी ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिससे किसान उद्यमशील होगा, मेहनत करेगा, इंटरेस्ट के साथ काम करेगा। लेकिन काम तो तब करेगा ना जब वो आप राजस्व थोड़ा सा कम लेंगे। अब कहीं 50%, 70%, कहीं पर 90% तक ले ले रहे। अब उनके पास साल भर की भी इंतजाम नहीं है खाने पीने का, अपने परिवार चलाने का, तो वो क्यों मेहनत करेंगे? देखेंगे कि मेहनत वो रात दिन कर रहे हैं और मिल नहीं रहा है उनको महीने भर खाने के लिए भी नहीं, तो फिर क्या मतलब। टॉपिक है यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसान को मजबूर करते रहे। कौन कौन से फसल कहां कहां उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया? बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यहाँ पर गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। यह आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी एक पद्धति को अच्छी तरह समझे। तो यहाँ पर हम आगे किसी एक फसल की पद्धति को समझने वाले हैं, आगे देखते हैं वो क्या है। फिलहाल ये चीजें जो है वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अंग्रेज क्या करते हैं कि देखे कि केवल जमीन से ऐसा नहीं है कि किसान उगाई करके दे दे, यहाँ पर ऐसी ऐसी फसलों को भी उगाया जा सकता है जिससे चौगुना फायदा हो, जितना अभी हो रहा है उससे चौगुना हो, पांच गुना फायदा हो। और फिर ये लोग ऐसी ऐसी फसलों को ढूंढ के लाते हैं और जबरदस्ती किसानों से उगवाते हैं जिससे इनका फायदा हो। जैसे कि नील की खेती, नील की खेती करने पर यहाँ पर ध्यान देना, जमीनें बंजर हो जाती हैं, लेकिन उस टाइम पर नील की जरूरत इतनी ज्यादा थी, डिमांड इतनी ज्यादा थी पूरे विश्व में कि सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं में था। तो अफीम की खेती, नील की खेती जबरदस्ती किसानों से करवाई गई। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? यहाँ पर ये जो इमेज है, कलमकारी छापा और मारिस कॉटन छापा, ये भारत का है और ये इंग्लैंड का है। इससे रिलेट करके यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई। 5 और 6 में चित्र नंबर सूती कपड़े के छापों को 2 तस्वीरें दी गई हैं। बाई तरफ की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया है? तो मतलब ये है कि आगे हम नील की खेती के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा जो आपके लिए नई भी है, इंटरेस्ट पैदा भी करने वाला होगा और उसके साथ ही आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में मारिस के छापे में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा।
उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी, अब हम इस पर ध्यान देते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है, ये ध्यान रखना, नील का पौधा उष्णकटिबंधीय इलाके में उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी, उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। अब क्या है कि यूरोप तक जो इंडिया में बनाया गया नील है वो पहुंचने में बहुत टाइम लगता था, तो कम मात्रा में पहुंचता था और लंबे समय पहुंचता था, तो हमारे यहाँ से जो नील बना हुआ है वो काफी महंगा था। तो यूरोप में क्या था, एक था वोड नाम का पौधा, ये भी इससे भी नीला रंग पैदा होता था, तो वहां के लोग इस पौधे पर निर्भर थे। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था, ये भी ध्यान रखना, वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है और जो नील है वो उष्णकटिबंधीय इलाके में। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगियो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए। तो 17वीं सदी तक आते आते कहां कहां पर नील की खेती होने लग गई ये बताया गया। बागान, एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। तो यहाँ पर बागान क्या होता है, यहाँ पर जबरदस्ती कई लोगों से या मजदूरों से काम करवाया जाता है। तो और एक बड़ा सा एरिया होता है जहां पर किसी एक फसल पर ध्यान दिया जाता है, बहुत सारे मजदूर है जो वहां पर वर्क कर रहे होते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था, उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्टइंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहां से मिल सकता था? तो जिस तरीके से 1783 का समय आया और अमेरिका जैसे क्षेत्र नील की पूर्ति करने के लिए मना कर दिए थे, तो अंग्रेज ये सोच रहे थे कि नील की पूर्ति कहां से हो जाए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। और यही वो समय था, ये परिस्थितियां बनी थी जब इनका ध्यान जाता है कि भारत में किसानों से नील उगवाया जाए और बहुत ज्यादा मात्रा में उगवाया जाए और इसे निर्यात किया जाए। टॉपिक है भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशक से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। कहां? बंगाल में जो नील पैदा किया जा रहा था वो सबसे ज्यादा बेस्ट था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। तो कुछ ही सालों में इतना अंतर आया, पहले 30% था और 30 से 95% हो गया नील की डिमांड में। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे।
समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। यहाँ तक कि नील की इतनी डिमांड थी और नील से इतना फायदा हो रहा था कि कई सारे अफसर जो ब्रिटिश कंपनी में अच्छे अच्छे पोस्ट पर थे उन लोगों ने वो सब छोड़ दिया और नील की खेती पर ध्यान दिया। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। कहा गया है ये सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत हुई है। अगस्त 1791 में जनवरी स्कूडोलस्की का ये चित्र है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीन का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत कर उतर आते हैं। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। 1792 में फ्रांस में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीप में नील की खेती ठप हो गई। तो यहाँ पर इस इमेज में दिखाया गया कि ये जो गुलाम थे गुलाम बनाकर इनसे जबरदस्ती काम लिया जा रहा था। अब कोई भी गुलाम होगा जबरदस्ती काम लोगे तो परेशान होगा और इस तरीके से परेशान किया गया कि उन्होंने फिर अंत में जो मालिक थे उन्हीं को मार डाला। बिल्कुल सबके प्रति बगावत कर डाला। और इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए 1792 में फ्रांस ने दास प्रथा को समाप्त किया। ये आपको याद रखना है। नील की खेती कैसी होती थी? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। ये आपको ध्यान रखना है, दो टाइप की नील की खेती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे, दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो निज खेती क्या होता है यहाँ पर आपको पता चला। निज खेती की कुछ समस्याएं भी थी। बागान मालिक को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी, ध्यान रखना केवल उपजाऊ जमीन पर। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी या वहां छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करवाने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। अब नीच खेती करने के लिए क्या करते थे कि ये लोगों ने सोचा कि बड़ा एरिया चाहिए खेती के लिए और छोटे छोटे खेत ही बचे रह गए, बाकी जगह तो लोग बसे हुए। तो ये लोग क्या करते हैं कि जहां पर नील की फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के आसपास बहुत सारे जमीनों को जो खेत रहा करते थे, घर रहा करते थे, उनको भी पट्टे पे ले लिया और उनको किसानों को वहां से भगा दिया। अब यहाँ पर तनाव तो ऐसे में पैदा हो गई। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। अब जब धान की खेती में व्यस्त है तो मजदूर कहाँ से मिलेंगे? और इसी टाइम पर नील की भी खेती की जाती थी, इसलिए मजदूर ढूंढने में मुश्किल होती थी। गुलाम, ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता था। गुलाम के पास कोई आजादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता था। इसके बाद है बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की जरूरत होती थी। एक बीघा नील की खेती के लिए दो हल चाहिए होते थे। तो यहाँ पर एक बीघा कितना होता है बताया गया है। बीघा जमीन की एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब एक तिहाई एकड़ कर दिया था। तो ये अंग्रेजों के टाइम पर बीघा क्या था ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीजों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों की जरूरत होती उसी समय किसानों को हल बैल भी चावल के खेत में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम
जमीन आती थी, बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध या पट्टा या सट्टा करते थे। तो ध्यान रखना, रैयत रैयत किसको कहा जा रहा है, किसानों को कहा जा रहा है। तो किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे और उनके खेतों में नील के उत्पादन की बात कही जाती थी। निज खेती में हमने बता दिया कि मालिक खुद जमीन खरीदता था या खुद की जमीन में नील उगवाता था। यहाँ पर किसानों की जमीन में नील उगेगा, बस उनसे पट्टा कर लिया जाता है। कई बार वे गांव की मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्ज मिल जाता था। कम ब्याज पर कर्जा लेने वाले रैयत को अपने कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। तो अंग्रेज कितने चालू थे, उन्हें जब नील करवाना था नील की खेती, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग हमसे कम ब्याज पर वो ले लो, कर्ज ले लो और 25% अपने खेत पर नील उगा दो। और इस तरीके से इन लोगों ने नील की खेती करवाई। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने, फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था, मतलब वही किसानों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। ये इमेज है 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए। भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें दिखाई गई। ये जो इमेज है, इस इमेज में बताया गया कि खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे हैं नील के पौधों के ये गट्ठर हैं। तो ये इमेज में नील के पौधे गट्ठर है जो फैक्ट्री में लाई जा रही है। अब टॉपिक है नील का उत्पादन कैसे होता था। नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना, विलियम सिम्पसन ने इस चित्र को तैयार किया है। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित बैटस या हौद में पहुंचा दिया जाता था। तो इस इमेज में देखते हैं हौद कहाँ पे है। ये बड़े बड़े टैंक टाइप के बनाए गए हैं। तो ये जो टैंक है इन्हीं में, ये किड़वन और हौद लिखा हुआ है, इनमें डाल दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग अलग काम था। तो जैसे कि 3, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से है, इन सब का अपना अलग अलग काम है। नील के पौधे से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। तो यहाँ पर सारे पत्तों को नील के तोड़े जाते थे। कोई एक कुंड होता था जिसमें गर्म पानी होता था, उसमें डाला जाता था, कई घंटों तक छोड़ दिया जाता था। इस हौद को किड़वन या स्टीपर कुंड कहा जाता है। तो जो हौद रहा है, ये जो टैंक टाइप का है, इसे किड़वन कहा जाता था या स्टीपर कुंड। जब पौधे किड़वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब जब घंटों छोड़ दिया जाता था तो इसमें बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। तो पहला टैंक फिर दूसरा टैंक इस तरीके से बनाया गया था। दूसरा हौद जिसे बीटर पॉट कहते हैं, इसमें घोल को लगातार हिलाया जाता था। तो यहाँ पर बीटर बॉट यहाँ पर बताया गया, ये इस टाइप से ऊपर है, ये इसके नीचे है, तो ये बीटर बॉट यहाँ पर इमेज में दिखाया गया। अब इसमें मजदूर लगातार पानी को हिलाते रहते थे और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। तो चूने का पानी भी इसमें डाला जाता। पहले क्या होता था, पत्ती को उबाला गया, छोड़ दिया घंटों, सड़ गया, जब उसमें बुलबुले उठने लगे तो पत्तियों को निकाल करके दूसरे हौद में डाल दिए, घंटों हिलाया गया, तो पहले इसमें हरा रंग रहता था, फिर वो हिलाते रहने से नील में बदल जाता था। अब उसमें चूने का पानी डाल दिए। धीरे धीरे नील की पपड़ी नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकाल दिया जाता था या निकल आता था। चूना पानी डाल दिए तो नीचे नील की पपड़ी जम गई, ऊपर साफ पानी रहता था जो आ जाता था, और उस द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद
नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। जो पपड़ी जमी हुई उसे निकाल के सुखा दिया जाता था, फिर उसे बेचने के लिए भेजा जाता था। इस इमेज के बारे में बताया कि हौद में घोल हिलाने वाला है ये। यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। तो ये नील के अंदर घुस करके उसे हिलाते रहते थे और 8 घंटे तक लगातार वर्क करते रहते थे। इस इमेज में बताया गया बिक्री के लिए जब नील तैयार है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काट कर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। तो ये सुखाने के लिए ले जा रहा है, ये सील लगाया जा रहा है, ये शो किया गया है। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। अब जो किसान यहाँ पर क्या था, शुरू शुरू में अट्रैक्ट हो रहे थे कि अच्छा ब्याज पे हमें पैसे मिल जा रहे हैं और बीज सरकार दे देगी, मतलब कि कंपनी दे देगी और खाद कंपनी दे देगी, बाकी सबको हमको अक्वा करना है तो हमें तो फायदा ही रहेगा। बाद में इनको समझ में आया कि यहाँ पर किसान का घाटा है। पहली बात कि उनको केवल बीज उज दे दिया गया, बाकी सारा मेहनत इनका होता है और बहुत कम दाम पर इनसे नील की खेती करवाई जा रही है। और यही चीज वो अपने दम पे करते, नील बेचते तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होता। देखते कि एक तो कर्ज ले लिए हैं, फायदा कुछ नहीं हो रहा है, कर्ज में हम डूबते जा रहे हैं। तो यहाँ पर उनको अपना नुकसान समझ में आ गया। समस्या और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। जहां पर नील उगाया जाता था वो बंजर टाइप का हो जाता था, जिसकी वजह से धान की खेती उगती ही नहीं थी। तो ये आपको पता होना चाहिए अपने एग्जाम के हिसाब से। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इंकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इंकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। तो मार्च 1859 की बात की जा रही है, बंगाल की बात की जाए, जहाँ पर हजारों किसान इस विद्रोह में उतर आते कि अब हमें नील की खेती नहीं करनी है, हम पर जो कर्ज है वो भी हम नहीं चुकाएंगे और टैक्स भी नहीं देंगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्त एजेंटों की पिटाई की गई। रेतों ने कसम खा ली कि ना तो नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहां से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते थे, ऐसा कभी कभी ही होता था। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदार और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत करवाए गए थे उन्हें भी नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे, क्योंकि जमींदार भी यहाँ पर परेशान हो गए थे। जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाने के लिए हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर करवाए कि तुम करवाओगे। अब जमींदार इस बात से परेशान थे कि जबरदस्ती, हम खुद जानते हैं कि किसान किस तरीके से क्या कर रहे हैं, इससे क्या नुकसान है, लेकिन उसके बाद भी उनसे जबरदस्ती किसी न किसी दबाव डाल करके, कुछ ना कुछ दबाव डाल के उनसे सिग्नेचर करवा लेते, जबरदस्ती उनसे काम करवाते। तो जमींदार क्या किए कि 1859 तक आते आते वो खुद गांव तक घूमने लग गए और किसानों को इकट्ठा करने लगे और सच्चाई बताई कि तुम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा, अकेले मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। और ऐसे में ही 1859 में नील विद्रोह होता है। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन
ले लेते थे। इसके बाद नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। यहाँ पर नील विद्रोह करने के लिए किसानों को क्यों लग रहा है कि अंग्रेज साथ देगी, क्योंकि 1857 का युद्ध हुआ था। अब अंग्रेज नहीं चाह रहे थे कि इस टाइप का संघर्ष फिर से हो, तो किसान भी यहाँ सोच रहे थे कि हो सकता है कि हम थोड़ा सा यहाँ विद्रोह करें, अंग्रेज हमारा साथ दे, कि ये विद्रोह भी नहीं हो, किसान जो चाहते हैं वो यहाँ पर पूरा कर दिया जाए, और यही सोच करके ये विद्रोह कर रहे होते हैं। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 की सदियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो 1859 में सर्दी का टाइम रहा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर दौरा कर रहे हैं, तो किसानों को लग रहा था कि शायद किसानों के हितैषी बनकर के यहाँ पर आए हुए हैं, पर वास्तविकता क्या है आगे देखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट थे एस्ले ईडन, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने उस टाइम पर एक नोटिस जारी किया गया कि जो किसान अपने पसंद से नील की खेती करना चाहता है व्यापार के लिए वो नील कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करके नील की खेती नहीं कराई जाएगी। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत कराने और विस्फोट स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। यहाँ पर वैसे तो साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि किसान ने अपने आप में ही समझ लिया कि अच्छा अंग्रेज हमारा साथ दे रहे हैं, और जबकि अंग्रेज क्या कर रहे थे कि यहाँ पर केवल शांति बना रहे थे और कुछ नहीं। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिक को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आयोग बनाया गया और उसने मालिकों को दोषी पाया। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। यहां से लेके यहां तक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धाराशाही हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। ये 19वीं सदी के आखिरी तक में कृत्रिम रंगों का निर्माण हुआ। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। किसका व्यवसाय? नील की खेती कब इफेक्ट हुआ, कब उस पर प्रभाव पड़ा? जब कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा और नील का उत्पादन फिर कम हो गया, फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया, और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो यहाँ पर चंपारण आंदोलन 1917 में किया, गांधी जी ने किया था। किन के लिए किया था? नील की खेती के विरोध में, जो किसान नील की खेती विरोध करना चाह रहे थे उनके लिए किया गया। ये भी आपको अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना है। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील के अस्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। W.S. सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष थे। नील आयोग के अध्यक्ष ये थे, ये आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए, W.S. सीटन। क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? तो हाजी मुल्ला कहते हैं, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। श्री साले बोलते हैं, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला ने कहा, नहीं मैं नहीं करूंगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा।
तो जिस तरीके से नील से परेशान थे, तो यहाँ पर लोग कह रहे थे कि भीख मांगना ज्यादा बेटर है नील की खेती करने से। और यहाँ पर फाइनल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ऐसी चीजें थी, काफी टॉपिक था जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था, वो आपको बता दिया गया। एंड आज की क्लास में केवल इतना ही। मिलते हैं नए क्लास में, नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।